हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे, सुबह का टाइम है और मैं बेटू को यहाँ पे उबटन लगा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं एक बार मालिश कर चुकी हूँ, जिसको वीडियो में मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं, याद भी नहीं था, और बहुत दिनों से मेरी वीडियो गई भी नहीं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं एक वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मेरा बेटू का रूटीन है। और इसके बाद जो है, हम लोग वैसे भी चाय नाश्ता कर चुके हैं, हस्बैंड जो है नाश्ता करके, उनको मैंने नाश्ता करा के और वो भेज दिया है, वो जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसको उबटन लगाने के बाद इसकी जो बॉटल वगैरह होती है और टीथर है, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करके ब्रश से अच्छी तरीके से, और इसको बॉयल करती हूँ पानी में अच्छी तरह से, मतलब ताकि साफ़ हो जाए, जिससे बैक्टीरिया ना रहे और बेटों को कोई नुकसान भी ना हो। वो पीती रहती है इस टाइम, लीची हुआ या आम हुआ, ये सब मैं उसके टुकड़े करके और इसके टीथर में डाल देती हूँ, तो अच्छी तरह से चूसती रहती है, उसके बीज भी नहीं जाते और जूस जूस चला जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। इसको मैंने मीशो से मंगाया था, और एक साथ में ये देखिए रबड़ का दिया हुआ है टीथर, टीथर ये भी है, इसको भी बच्चे चूसते रहते हैं। और यहाँ पे इसके बाद बेटू रो रही थी मालिश करने के बाद दूध के लिए, तो इसको मैं गोदी में लेके आई हूँ दूध लेने, बल्कि ऐसा आना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसको गोदी में लेके मैं इसके लिए दूध बना रही हूँ। और हाँ, बेटू को मैंने दो चोटी की है, दो चोटी इसलिए करी है क्योंकि जब उबटन लगाई है ना, तो बेटू के बाल बहुत ज़्यादा हैं, तो बाल में लग जाता है बहुत सारे, और हर दिन रोज़ रोज़ हेयर वॉश हम करते नहीं हैं, हम तीसरे दिन हेयर वॉश करते हैं अपने बेटू का, क्योंकि शैम्पू वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों में। तो यहाँ पे मैंने बॉयल करके और इसके सारे टीथर हैं और जो निप्पल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिया सूखने के लिए, और इसका दूध यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ और लेके आ गई हूँ इसको दूध पिलाने के लिए। ये काफ़ी भूखी थी और मेरे बेटू तो थम पीती ही हैं, उनको यहाँ देखिए रो रही हैं कि मम्मी ना पिए, मैं पीऊँगी। तो यहाँ पे दूध पी के और इसके बाद मैं इनको छोड़ दूँगी वॉकर में, कुछ देर घूमेंगी उबटन के बाद, कुछ देर वॉकर में अपना खेलेगी। इसके बाद मैं, तब तक के लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग, क्योंकि बाहर मैंने उबटन लगाया था तो वहाँ पे गंदा हो गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और चाय नाश्ता वगैरह हो ही गया था और दीदी खाने की तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद जो है, और बेटू जो है खेल ही रही हैं अपना, देखिए ये अपनी चेयर जो है पॉटी पॉट, ये अपना सरकार के वॉकर के साथ घूमी है, ये पहली बार था तो इसे देख के बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर सुबह ये टाइम हो रहा था 9 बज रही थी या 9:30 बज रही थी, मैं भी यहाँ पे अभी नहाई नहीं हूँ, तो इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है, और इसके बाद मैं बेटू को अभी नहलाने के लिए ले जाऊँगी। हाँ, ये इनका अब वॉकर चला के भी पेट भर गया था, अब ये फिर से रोने लगी थी, तो इनको मैं गोदी में लेके, इनको ये चीज़ अव्य को बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि मम्मी गोदी में लेके और सारा काम करती रहें, हम सारा चीज़ देखते रहें क्या चीज़ कैसे होती है। ये बड़ी जो हो रही हैं, इनको यही सब चीज़ अच्छी लगती है कि गोदी में लेके मम्मा सारा जो है काम घर का करती रहें। तो यहाँ पर अब सारा काम हो गया है, मैं इसको टॉवेल यहाँ पर लेके आई हूँ, मैं जा रही हूँ इसको नहलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेटी नहा रही है, और नहाने में तो इतना इन्जॉय करती है कि कुछ पूछिए ना, इनको बहुत मज़ा आता है, पानी में छोड़ दीजिए तो एकदम खेलती ही रहती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय करती है। इसके बाद मैं यहाँ लेके आई हूँ, और इसको नींद तो पूछिए नहीं, तुरंत नहा के आई हैं, देखिए आँखें ये बंद कर ली हैं, क्योंकि सुबह से ये अच्छी तरीके से सोई नहीं थी, और उबटन लगने के बाद तो ये इनको और अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर मैं पाउडर वगैरह लगा दूँगी, इनको रेडी कर दूँगी, और रेडी क्या, घर में मैं बच्चों को बहुत ही सॉफ्ट और ऐसे ही कपड़े पहनाती हूँ कि सोने में उसको आज मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गई हैं, मैं इनको कॉम कर दूँगी, और ये इनकी आँखें एकदम बंद हो रही थी, देखिए यहाँ देखिए दूध पिला रही हूँ, दूध इनको नहीं पीना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, आज द ब्लॉगर दिव्या में आप लोगों का स्वागत। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और बेटू यहाँ पे अभी सो ही रही हैं, ये देखिए
अभी इनकी नींद नहीं खुली है, खैर अभी सोएंगे थोड़ी देर, इसके बाद जगेंगे, इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, इसके बाद ये तब जाके सोएंगे, तब शाम तक उठेंगे 3-1 बजे तक। और मैं यहाँ पे जब तक आई हूँ तब तक मैंने कोई पार्सल ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है पार्सल, उसमें देखते हैं क्या है। और क्या था, बेटू के लिए मसाज ऑयल इसका खत्म हो गया था, तो ये देखिए आ चुका है। और इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि मसाज ऑयल होगा, क्योंकि इसमें इसका बॉक्स तो कुछ दूसरे चीज का लग रहा है। खैर चलिए, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बल्कि अमेजोन से मैंने अभी पिछली बार मैंने मच्छरदानी ऑर्डर की थी, तो जिसकी जगह पे बच्चे के डायपर आ गए थे, तो उसको मैंने फिर खैर एक्सचेंज किया, रिटर्न हो जाता है। तो इसमें है बेटू का मसाज ऑयल एंड शैम्पू। और यहाँ पे खाना वगैरह हो गया है, अब खाया जा रहा है आम। जी हाँ, सबको यहाँ पे आम खाना था, ये दोपहर का शायद लगभग 2 बजे का टाइम है, यहाँ पे सबको आम खाना था, तो यहाँ पे आम खाया। और मेरे बेटू को तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखिए आम, मतलब किसी का मुंह चलते हुए देखेंगे तो उनको अपने हाथ से आम खाना है, ये अपना ले के भले ना खा पाएँ लेकिन इनको आम बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने सोचा कि भूख तो लगी होगी उसको, तो इसके लिए मैंने, ये फर्स्ट टाइम था इसका सैर लेकर जो मैं इसे खिलाने जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कैसे खिलाऊं, तो मैंने देखा उसमें, क्योंकि अव्याव 6 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, तो उसको अब और भी कुछ ठोस चीज़ें खिलानी है कि हाँ उसको भूख बार बार लग जाती है। तो यहाँ पर मैं उसके बना रही हूँ सैडलेक, और सैडलेक अभी 6 मंथ बच्चे वाला ही है, तो इसमें सारी चीज़ें मिली रहती हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा बिल्कुल खाएगी कि नहीं खाएगी, लेकिन खैर उसको अच्छा लगा और वो खा रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जा रही हूँ किचन में, अपने ये हो रहा है शाम का टाइम, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, मतलब है हल्की हल्की है, तो इसी में चल रहे हैं हम। आज इडली बनाएंगे, सांभर बनाएंगे, जिसकी कोई रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि चीज़ें तो मैंने कल ही कर लिया था, और अभी मैं आधे से ज़्यादा अब आज जो बनाना है वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने इडली के स्टैंड को साफ कर दिया है, और यहाँ पर अपनी गैस पे चढ़ा दूंगी, और ये है पहले तो इसमें इडली के बैटर में उसमें तड़का लगाऊंगी, तो मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ सांभर, जिसकी मैं सब्जियाँ वगैरह काट ले रही हूँ स्टैंड में लगाने के लिए, अच्छे से फूट जाए। और ये है मेरा बैटर, देखिए कितना मस्त खमीर उठी है, खमीर तो बहुत अच्छी उठी है। यहाँ पे मैंने मूंगफली रोस्ट करके और उसमें उसका छिलका हटा दिया है, और ये देखिए मैंने चटनी बना भी ली है, और चटनी तो बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें तड़का दे दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, और इडली के साथ तो बात ही अलग होती है। और नेक्स्ट है ये रहा मेरा सांभर, जो कि सांभर में सीटी आ गई है, ये बन के रेडी है, इसमें मसाले डालना है और इसको फिर से तड़का लगा देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो और सांभर तो मेरा फेवरेट है, सांभर बहुत मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो चावल के साथ हो, चाहे जिसके साथ मुझे दे दिए, मैं सूखा से पी भी लेती हूँ सांभर। और यहाँ पर आई हुई है मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी, और सबसे लास्ट वाली सबसे छोटी वाली दीदी आई हैं, और जीजा जी हैं, तो यहाँ पर ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं, और बेटू भी सबके साथ लगी हुई हैं खाने में।
में, और तुरंत दीदी जा भी रही थी। ये देखिए बेटू बाय कर रही है, मोही है, ये बाय कर रही है। दीदी मार्केट आई थी तो इनको जल्दी जाना भी था, तो यहाँ पे सबका वही बाय, तो यहाँ पे दीदी वगैरह चली गई थी सब लोग। और इसके बाद हम लोग भी अपना खाए पिए थे, और ये रही मेरी डेली की रूटीन, कैसे मैं क्या करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।